वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के कितने दिन बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए, ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करती है कि वह कौन सा वैक्सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में तीन तरह के वैक्सीन यूज की जाती है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। फर्स्ट नंबर पर है कोविशील्ड। यदि आप कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लेने के 28 दिन बाद सेकेंड डोज लिए हैं तो आपको यह 54% ही काम करेगी, लेकिन यदि आप इसका सेकेंड डोज 42 से 56 दिन के बीच में लेते हैं तो आपको यह 80% काम करती है। शुरुआत में जो वैक्सीन दी जा रही थी उसमें सेकेंड डोज 28 दिन पर ही दिया जा रहा था जो 54% ही काम करती है, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि यदि आप इसका सेकेंड डोज 42 से 56 दिन के बीच में लेते हैं तो आपको यह 80% तक काम करेगी। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। यदि आप कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के 28 दिन बाद सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको यह 80 से 85% तक काम करती है। कोवैक्सीन को बहुत ही अच्छी वैक्सीन मानी गई है। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी वैक्सीन है। यदि आप 80% रिजल्ट कोविशील्ड से चाहते हैं तो आपको सेकेंड डोज 28 से 56 दिन के बीच में लेना होगा, लेकिन आप 80% रिजल्ट कोवैक्सीन से चाहते हैं तो आपको सेकेंड डोज 28 दिन पर लेना होगा। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक। स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है। यदि आप स्पुतनिक का फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज 21 दिन पर ही दिया जाता है। स्पुतनिक के बारे में कहा जाता है कि यह 90 से 95% तक काम करती है। स्पुतनिक का फर्स्ट डोज में अलग वैक्सीन दिया जाता है जबकि सेकेंड डोज में अलग वैक्सीन दिया जाता है। दोनों वैक्सीन सेम नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों में सेम ही वैक्सीन दिया जाता है। स्पुतनिक वैक्सीन को रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि अब स्पुतनिक वैक्सीन भी इंडिया में लगाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।